शायद 1-1.5 घंटा। हाँ चलो शो, चाहे वो दुख हो चाहे वो सुख हो, सुख हो। तो सो फ्रेंड्स, हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव गर्ल प्रियंका शरण। हियर आई एम योर्स प्रियंका शरण। आई होप आप सब लोग अच्छे हैं एंड हेल्दी भी है। मैं भी अच्छी हूँ, मतलब आगे से बेटर हूँ। वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग व्लॉग गाइस। लास्ट वीक में ऑलरेडी आप लोगों को अपडेट मिल ही गया था कि बहुत ज़्यादा मेरा तबीयत खराब हो गया था। बहुत ज़्यादा मुझे एक्चुअली हेल्थ इश्यूज़ था, हेल्थ इश्यूज़ इन द सेंस मुझे वायरल फीवर हो गया था एंड कोल्ड कफ, बॉडी पेन, बहुत सारी चीज़ें एक साथ लग गई। बिकॉज एक्चुअल में लास्ट कुछ वीक से मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर में भी जा रही थी, तो इसीलिए मतलब तबीयत खराब होना शायद कुछ उसी रीज़न के वजह से हो गया। एनीवे सो अभी तो टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 9:17-9:20 होने वाला है और आज है संडे। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं संडेज को मेरी संडे स्टोरी शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, सो आज मैं वही करने वाली हूँ। एक रैंडम सा ये व्लॉग होगा, मुझे नहीं पता आज मैं क्या करूँगी, क्या होगा क्या नहीं, बट एक जस्ट एक रैंडम सा ब्लॉग होगा। आप लोग कंटिन्यू कीजिए इस ब्लॉग को, आई होप आप लोग एंड में जाके इंजॉय करेंगे। एंड और क्या, अभी चलो सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। बट उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड देयर इज आल्सो अ छोटा सा क्यूट सा बेल बटन, सो उसको भी हिट कर देना ताकि मैं जब जब वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले और आप लोग मेरी वीडियो सबसे पहले देख सके। एंड उसके साथ ही साथ अगर आप कहीं ना कहीं पर जाके मुझे पसंद कर रहे हैं, मेरा कॉन्टेंट आप लोगों को अच्छा लग रहा है, मेरे साथ कनेक्टेड हो पा रहे हैं, तो आप मुझे मेरे सोशल मीडिया साइट्स में भी फॉलो कर सकते हैं। उसका भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, सो यू कैन चेक आउट फ्रॉम देयर। सो एनीवे फ्रेंड्स, हम लोग अभी सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स गेट जंपिंग टू द वीडियो। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैं आप लोगों को पहले मेरी हेल्थ की अपडेट दे देती हूँ। लास्ट वीक में बहुत ज़्यादा मैं सिक थी, बहुत ज़्यादा मेरा तबीयत ख़राब था, तो इसीलिए कोई भी वीडियो वगैरह कुछ भी शूट नहीं कर पाई। सिर्फ मैंने रेस्ट किया, मेडिसिन ली, डॉक्टर को भी दिखाया, तो एकदम ही तबीयत अच्छा नहीं था। वायरल फीवर हो गया था, बहुत ज़्यादा बॉडी पेन था। अभी पता नहीं इस वायरल फीवर में, इस सीज़न में शायद ऐसा ही कुछ हो रहा है एंड बहुत ज़्यादा बॉडी पेन हो रहा है, तो ऐसा कुछ था। एंड मैं ट्राई करती रही कि 2-3 दिन के बाद मैं ऑफिस स्टार्ट करूँ, बट नहीं कर पाई। होल वीक मैं घर में थी, रेस्ट करी एंड थोड़ा बहुत घर का छोटा मोटा जो काम, मेरा जो प्रैक्टिकल, जो मेरा जो नेसेसरी काम होता है वो सब मैंने किया। एंड उसके बाद अगर बोले तो अभी मैं ठीक हूँ, अभी हेल्थ टोटली ठीक है, बट कल रात को मेरा तबीयत थोड़ा सा अगेन बिगड़ गया था। बिकॉज बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, स्टमक इश्यूज़ हो रहा था एंड रात को भी मैं बहुत लेट करके सोई, अराउंड 1:30-2 o'clock, बिकॉज मुझे नींद नहीं आ रही थी। बहुत ज़्यादा हेडेक था, स्टमक इश्यूज़ था, प्रॉब्लम थी। तो उसके बाद रात को भी मैंने मेडिसिन ली एंड फिर उसके बाद धीरे धीरे करके मुझे नींद आया, सो गई मॉर्निंग में। इसीलिए मैंने थोड़ा सा लेट करके उठी हूँ, अराउंड 8:30 मैं उठी। एंड उसके बाद उठ के मैं फ्रेशन अप हो गई, जो मॉर्निंग का नेसेसरी काम होता है वो सब मैंने कर लिया एंड फिर आके आप लोगों के साथ मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ यहाँ पे, बिकॉज आप लोगों के साथ शेयर करना मुझे अच्छा लगता है। तो पता है मुझे कि मैं कंटिन्यूसली वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पाती हूँ, उसके लिए ख़राब भी लगता है बहुत ज़्यादा, बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जितना हो सके कि आप लोगों के साथ कनेक्टेड हो पाऊँ। एटलीस्ट 2 or 3 वीडियोस वीक में मेरी आ पाए। आई होप आप लोग इस बात को थोड़ा सा कंसिडर करोगे। मैं जब भी टाइम मिलेगा मैं बहुत ज़्यादा ज़्यादा करके ब्लॉग वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने कहा था कि मैं मॉर्निंग में उठ के अपना जो मॉर्निंग का जो रूटीन होता है वो सब कुछ कर लिया। सो यहाँ पे मेरी मम्मा भी आ गई है ब्रेकफास्ट के साथ, और यहाँ पे है हम लोगों का ब्रेकफास्ट, टी है एंड आज भी मैगी बना है। बिकॉज जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं मम्मी को संडेज के लिए बोलती हूँ कि आप जितना सिंपल ब्रेकफास्ट हो सके आप बनाओ, अगर हो सके तो बाहर से खरीद लो,
बट कल मेरा तबीयत उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, दैट्स बिकॉज मम्मा ने वो इडली नहीं लिया, बिकॉज इडली पता नहीं क्यों बहुत ही एक प्लेन चीज़ है, बट मैं उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती हूँ या मेरा स्टमक उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। हमेशा मैं इडली खा तो लेती हूँ, बहुत ज़्यादा पसंद है, बट वो रिएक्ट करते रहता है, तो इसीलिए मम्मा ने इडली नहीं लिया। आज मैगी बनाया है तो वही मैं खाऊंगी अभी ब्रेकफास्ट के लिए। और यहाँ पे मेरी मम्मा कुछ हिसाब वगैरह कर रही है शायद। मॉर्निंग, कैसे हो आप? अच्छा हूँ। क्या कर रहे हो? मैं हिसाब कर रहा हूँ। किस चीज का? मुदी दुकान। अच्छा, तो मम्मा यहाँ पे ग्रोसरीज का थोड़ा हिसाब वगैरह कर रही है, और मेरा ब्रेकफास्ट के बाद एक छोटा सा काम है, मतलब इम्पॉर्टेंट काम है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बट चलो फ्रेंड्स, अभी पहले मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ और उसके बाद मिलते हैं। आ गई हूँ, हम लोगों का ब्रेकफास्ट हो गया है, और ब्रेकफास्ट के बाद मम्मा और मैंने थोड़ा सा बहुत प्लानिंग वगैरह कर लिया इस वीक के लिए, एंड थोड़ा जैसे होता है माँ और बेटी के साथ जो होता है गपशप लड़ाना, सो वो हम लोगों का हो गया है। इसके बाद एक जो काम मैंने आप लोगों को बोली थी मैं आज करने वाली हूँ, तो वो है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये अलमीरा हमारे घर में नया आया है, और ये जो बैकग्राउंड था, आई होप आप लोगों को पता है कि मैं इस बैकग्राउंड में पहले मेरी वीडियो शूट करती थी, एंड उसके बाद अभी वो जगह थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है, सो अभी मैं अपने इस जगह को, इस एरिया को एज ए बैकग्राउंड मैं यूज़ करती हूँ। तो यही पे, मतलब ये कर्टन तो अभी टेम्पररीली ये कर्टन मैं लगा के वीडियो करी थी, सो इस कर्टन के ऊपर भी मैंने दो वीडियो बनाई थी, बट ये मुझे थोड़ा सा डार्क कलर दिखा एंड उतना ज़्यादा मुझे पसंद नहीं आया, तो इसीलिए मैं इस कर्टन को चेंज करूँगी। एंड एक्चुअल में क्या है, इस कलर को, मतलब ये जो वॉल कलर है इसको भी मैं यूज़ कर सकती थी, बट प्रॉब्लम हो गया है क्या कि ये जो एरिया है यहाँ पे आप देख सकते, ये जो जगह है, इस जगह में प्लास्टर नहीं है, तो इसीलिए ना यहाँ पे कलर हम लोगों को दूसरा कलर, ऑयल कलर इसमें पेंट करना पड़ा, एंड ये तो वॉल कलर है, तो इसीलिए यहाँ पे अगर मैं इस साइड में बैठूंगी तो ये बहुत ज़्यादा ही नीचा हो जाएगा मेरे लिए, तो बहुत ज़्यादा अगर मैं फ्लोर पे बैठ के काम करूँगी तो ये बैकग्राउंड मेरा ठीक तरीके से नहीं आएगा। एंड इसको अगर मैं यूज़ करूँगी एज ए बैकग्राउंड, तो मुझे पसंद है ये कलर, तो इसको मैं कर सकती हूँ, बट इसमें इसको बैकग्राउंड बना के शूट करने के लिए मुझे खड़े होके शूट करना पड़ेगा, सो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा बैकग्राउंड को मॉडिफाई करते हैं, चेंज करते हैं, तो इसीलिए ये जो कर्टन है ये कर्टन मैं उतार दूंगी यहाँ से, एंड इसके बाद मैंने एक ऐसे वाला कपड़ा लिया है, सॉरी, तो ऐसे वाला कुछ कपड़ा लिया है, ये एक्चुअली आप लोगों को शायद वाइट दिख रहा है, बट ये ऑफ वाइट कलर में है, एंड प्रिटी सिमिलर टू दैट वॉल कलर, मतलब ये जो कलर है मेरा, हम लोगों का ये क्रीम कलर है, एंड ये थोड़ा सा ऑफ वाइट कलर में है, तो मतलब ये एडजस्ट हो रहा है अच्छे से, मैंने इसको ट्राई करके भी देख लिया, सो इसको मैं अभी आज बनाऊंगी। हम लोगों के घर में स्विंग मशीन जो है वो है, तो इसीलिए मैं खुद से ही कर्टन बनाती हूँ, अपने घर का जो जितना सारा कर्टन है तो वो मैंने खुद से ही बनाया है, मम्मा ने भी मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की है। अभी ये कपड़ा मैं लूँगी एंड इसके बाद हम लोग इसको बनाएंगे मेरी बैकग्राउंड कर्टन, सो लेट्स गो।
देख लिया कि मेरा कर्टन बनाना हो गया है और मैंने उसको फिक्स भी कर दिया है। और अभी ये मेरा नया वाला बैकग्राउंड होगा, मतलब यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें आएंगे थोड़ा सा फ्लावर वगैरह डेकोरेट करने के लिए थोड़ा सा, मगर ये मेरा बैकग्राउंड का कलर रहेगा अब के बाद से। एंड इसके बाद और कितना कुछ कर सकते हैं देखते हैं कितना कुछ होता है, बट मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एंड और एक चीज़ हम लोगों ने अभी लिया, मतलब मम्मा ने अभी लिया है, मतलब यहाँ से वो जा रहे थे जो सामान सेल करते हैं ना, तो वो उनसे ही ये लिए हैं। सो मम्मा ने ये वाला मेरा छोटा वाला एक स्टूल भी लिया है कि इसमें मैं बैठ के मैं अपनी वीडियो शूट कर पाऊँ। देखिए ये मेरा प्रॉपर एकदम साइज होगा, बिकॉज मैं अगर फ्लोर में बैठती हूँ तो मुझे थोड़ा बैक पेन होता है, सो इसीलिए मुझे एक स्टूल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो ये मम्मा ने मुझे खरीद के दिया है। ये फ्रेंडशिप डे का शायद ये मेरा गिफ्ट है। एनीवे सो तो ये है, ये ऐसे मैं करूँगी और इसके बाद से ये मेरा बैकग्राउंड होगा जैसे कि मैंने पहले ही कहा है। सो आज का मतलब हो गया, मॉर्निंग का मेरा काम ख़त्म। और कुछ करने की मुझमें एनर्जी नहीं है बहुत ज़्यादा, मैं अभी टायर्ड फील कर रही हूँ अभी भी। तो इसके बाद हम लोगों के घर में और एक कर्टन है, सो उसको मुझे थोड़ा सा स्विंग करना है एंड उसके बाद फिर मैं शावर लेके फिर वापस आके आप लोगों से बात करती हूँ। सो सी यू गाइस। सो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं तो मतलब फ्रेशन अप होके मतलब शावर वावर लेके एकदम आ गई हूँ। जैसे कि शावर लेने के बाद हम लोग नॉर्मली जो स्किन केयर वगैरह करते हैं वो सब मैंने कर लिया है, यहाँ पे सिर्फ लिप ग्लॉस देना बाकी है। और वहाँ पे मम्मा ऑलरेडी खाने पे बैठ गई है बिकॉज मम्मा को भूख लग गया है। मेरा थोड़ा कुछ काम था पर्सनल, कुछ बिल वगैरह पे करना था तो वो सब मैं कर रही थी, तो इसीलिए मैं मम्मा को बोली कि आप थोड़ा सा स्टार्ट करो, मैं आ रही हूँ। सो फ्रेंड्स चलो हम लोग लंच पे जाते हैं और देखते हैं आज क्या बना है लंच में, मम्मा ने क्या बनाया है। सो मम्मा ने ऑलरेडी खाना स्टार्ट कर दिया है। क्या बनाया है आज खाने में? ढेरस भाते, ओल भाते, माचेर झाल, लाउ दिए डाल। एनीवे फ्रेंड्स चलो जल्दी जल्दी खाना खा लेते और उसके बाद मेरा थोड़ा कुछ काम है वो सब कुछ करूंगी और उसके बाद चलो देखते क्या होता है। और एक चीज फ्रेंड्स आप लोगों को नहीं बताया मैंने कि ये जो भोला फिश है ये मेरा फेवरेट फिश है। मतलब मैं अपनी लाइफ में जब फिश मैं एकदम ही पसंद नहीं करती, जब मैं छोटी थी मुझे एकदम पसंद नहीं आता था, बट फर्स्ट जो फिश खा के मुझे फिश खाने का वो चस्का काइंड ऑफ लगा, हाँ वो है ये भोला फिश। तो ये मतलब ये फिश खा के मुझे फिश का टेस्ट मिला, तो मेरे प्लेट में अगर थोड़ा सा फिश रहता है तो मेरा मतलब और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बहुत खूबसूरत वाला बहुत टेस्टी वाला डिश चाहिए ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे एक फिश मिल जाए बस, मतलब प्योर बंगाली हूँ भाई, होना ही है ना, तो इसीलिए फिश मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट बन गई है। फिश मैं बहुत ज़्यादा खाती भी हूँ, चिकन मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, कोई भी तरह का जो मीट होता है वो मुझे पसंद नहीं है, तो ज़्यादातर मैं फ़िश खाती हूँ। वैरायटीज काइंड ऑफ फ़िश मुझे अच्छा लगता है और ज़्यादातर हम लोगों के घर में शी फिश होता है बिकॉज मुझे समंदर का जो फिश होता है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, बिकॉज मुझे सॉल्टी बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे मीठा पसंद नहीं है एज़ यू ऑल नो, बट मुझे सॉल्टी बहुत ज़्यादा पसंद है इसीलिए शायद मुझे सी फिश ज़्यादा पसंद लगता है, बट दिस इज़ माई फेवरेट वन, यही मैं आप लोगों को कहना चाहती थी, उसके बाद मैंने बहुत कुछ कह दिया। सो चलो गाइस खा लेते हैं। तो आ गई हूँ और अभी यहाँ पे थोड़ा सा मैं रेस्ट करूँगी, मम्मा यहाँ पे बैठी है
वीडियो देख रही है अपने मोबाइल पे, कितना ध्यान मन लगा के। मम्मा कितना टायर्ड भी लग रही है, आप थोड़ा सा सो जाओ ना। तो मम्मा सोएंगी, मैं भी थोड़ी देर के लिए शायद रेस्ट करूंगी। हे फ्रेंड्स, सो गुड इवनिंग। एंड अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 7। मैं दोपहर को थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर ली एंड उसके बाद यहाँ पे रेडी हो गई हूँ। कैजुअल सा जीन्स पहना है, टॉप वेयर किया है, मतलब एक टी शर्ट है। एंड यहाँ पे मम्मा मेरी बैठी है और मम्मा बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई है, पता नहीं क्यों। बट एनीवे फ्रेंड्स, अभी तो रेडी हो गए हैं, अभी हम लोग जाएंगे बाहर श्रीरामपुर मार्केट की तरफ। छोटा मोटा कुछ घर का कुछ सामान खरीदना है, मेरा पर्सनल कुछ चीज़ लेना है, वो सब लेके फिर वापस आके बात करते हैं। अभी अभी हम लोग आए हैं, मम्मा उधर मेडिसिन ले रही है अपना और मैं जस्ट आके बैठी हूँ बेड पे। आज का मेरा संडे बहुत ही अच्छा गया, मतलब सिंपल था बट अच्छा था, तो मैंने तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि आप लोग कितना इस वीडियो को इन्जॉय किए, और अगर अच्छा लगे तो डेफिनेटली एक लाइक ज़रूर कर देना। एंड उसके साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आपका एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हो। एंड अगर आप मेरे चैनल में नए हो देन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। एंड और क्या, आज के लिए यहाँ तक ही, हम लोग फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, स्टे सेफ, बी ब्लेस्ड। मैं प्रियंका शरण साइनिंग ऑफ, बाय बाय।